पीएजीडी का बड़ा उनकी जो वेव है वो बड़ी अच्छी दिखने को मिलेगी। बीजेपी लगता है मुझे आएगी इस बार और चीफ मिनिस्टर रविंद्र रैना बनेंगे हमारे। मुझे एनसी के उमर जी लग रहे हैं। खिचड़ी से पक सकती है और सभी इस रेस में सबसे आगे होना चाहते हैं। 2014 में जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन हुई थी, पीडीपी और बीजेपी की अलायंस से सरकार बनी, लेकिन 2018 में किसी कारणवश से इनकी सरकार टूट गई। 2018 से लेकर अभी तक 2022 तक कहीं भी इलेक्शन को लेकर कोई भी बात नहीं हुई है। 5 मई को डिलिमिटेशन कमीशन की फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट आई, जिसके बाद से ही इलेक्टोरल रोल की रिवीजन की प्रक्रिया शुरू हो गई। लेकिन कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के दौरे पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक स्टेटमेंट दी है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इस साल के अंत में जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन होने की संभावना है। तो आइए जम्मू और कश्मीर के लोगों से जानते हैं कि उनकी इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है। तो क्या लगता है कब तक इलेक्शन होंगे? ये मैडम पक्का नहीं है, कोई पता नहीं, हो सकता लास्ट तक करवा दें, क्योंकि इस वक्त मेन प्रॉब्लम बीजेपी को आ रही है, क्योंकि बीजेपी ने पूरी स्टेट में हल्ला मचाया रखा है। अगले साल भी हो सकते हैं, इस साल भी हो सकते हैं, वैसे मुझे लग रहा है इसी साल होंगे। देखिए, जिस हिसाब से आजकल के हालात है उसके एतबार से यहाँ पे इलेक्शन होना लाजमी बनता है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे लोग हैं परेशानी से दो चार हुए हैं, जहाँ कहीं पे भी मसाइल है, लोगों के मसाइल कोई सुनता ही नहीं। अपना रिप्रेजेंटेटिव अगर होगा तो बहुत बड़ी बात होगी कि जितने भी लोगों की परेशानियां हैं शायद उन पे यहाँ पे रोक लग जाएगी और लोग महसूस करेंगे कि उनका भी कोई नुमाइंदा आगे है। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपके पास जो एग्जांपल है वो यहाँ की जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप जो है वो आपके सामने, लोग सफ़र कर रहे हैं, कोई किसी की सुनता नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, मुझे लग रहा है कि शायद से एंडिंग मतलब नवंबर दिसंबर तक इलेक्शन होने की संभावना है, क्योंकि होनी भी चाहिए। गवर्नर रूल्स चल रहा है, इसमें कई लोगों को पता नहीं है कि हमारे एजुकेशन के रिलेटेड हमें किस सेक्टर के पास जाना है, हेल्थ के रिलेटेड किस सेक्टर के पास जाना है। देखिए, सबसे पहली चीज़ है आपको पहले यहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना है, यहाँ की लोगों की जायज़ मांगे हैं उनको पूरा करना है, जो आए दिन यहाँ पे लोग शिकायतें करते हैं उनको सुनना है, उनको एड्रेस करना है। जब आप यहाँ के लोगों के दिलों में जगह बनाएंगे तभी यहाँ पे जो इलेक्शन है वो कामयाब रहेगा। तो आप सीएम के रूप में किसको देखते हैं? इस बार आम आदमी पार्टी का ही आएगा सीएम, जो भी आएगा, क्योंकि बीजेपी ने तो कुछ किया ही नहीं, क्या कौन वोट देगा उनको। हम चाहते हैं कि जो लोग अब तक सियासत से वाबस्ता नहीं थे, अगर उनके हाथ में दौड़ धूप आ जाएगी तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी यहाँ के नौजवानों के लिए, ताकि वो समझ सकते हैं, यहाँ के नौजवान समझ सकते हैं जितनी भी प्रॉब्लम्स है, आज तक जितने भी सियासतदान यहाँ पे आए सभी ने अपना फ़ायदा देखा, किसी ने ये नहीं देखा कि आवाम कैसे खुश रहेगी और आवाम के मुफाद में क्या करना है। मुझे लगता है कि अभी भी पार्टीज आती रहती है, डेमोक्रेसी है, जमहूरियत में हक है, कोई भी पार्टी नई आए, लॉन्च आए, इमर्ज हो, लेकिन जो हम हालात देख रहे हैं ग्राउंड सतह पर, तो मुझे लगता है पीएजीडी का बड़ा उनकी जो वेव है वो बड़ी अच्छी दिखने को मिलेगी। सीए के रूप में हमारे जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो काफ़ी दावेदार है, जैसे एनसी से उमर जी हैं और बीजेपी से रविंद्र रैना जी है, बट अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन मुझे एनसी के उमर जी लग रहे हैं। मैम, सीएम में देखा जाए तो बीजेपी है मेन कंटेंडर यहाँ पे, तो रविंद्र रैना जैसे कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर बीजेपी लगता है मुझे आएगी इस बार और चीफ मिनिस्टर रविंद्र रैना बनेंगे। जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश पार्टीज है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, अपनी पार्टी है, पीसी है, मुझे लगता है कि एक अच्छी टक्कर इनके बीच में होने वाली है आपस में, क्योंकि सभी चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट के लिए उतर रहे हैं और सभी इस रेस में सबसे आगे होना चाहते हैं। खिचड़ी सी पक सकती है, इसमें ऐसा हो सकता है मेरे हिसाब से कि 3 साल के लिए सीएम एक जम्मू का रह सकता है और 3 साल के लिए कश्मीर का रह सकता है। फुल मेजोरिटी में मुझे नहीं लगता कि मैं आपको बता दूं कोई सीएम आ सकता है। तो जैसा कि आपने देखा जम्मू और कश्मीर के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है उन्होंने हमें बताया, अब बारी है आपकी। आप अपनी राय, अपनी ओपिनियन को कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए हमारे साथ कि आप कैसा देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में कब तक इलेक्शन होने की संभावना है और एज सीएम फेस आप किन्हें चुनेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूं, कैमरामैन अजीत शर्मा के साथ मैं नीतू सिंह, जेके न्यूज़ टुडे, जम्मू।